Hey fam, what's up? This is Archit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. Aaj Wednesday hai and aaj main karunga legs. Monday and Tuesday jab chest aur back main kar leta hu, to meri upper body puri ek type se train ho jati hai. Jiski wajah se main usko ek rest deta hu and that's why main lower body train karta hu. So Wednesday ko I'm gonna train legs and also I'm gonna train my abs. Kaafi log ye kehte hain ki bulking time par aapko abs nahi train karni chahiye and ye kaafi bada बन चुका है ऑलरेडी एंड इसका रीजन ये है बिकॉज लोगों को लगता है कि एब्स तो कटिंग करते हुए निकलती हैं. अगर आपका मसल साइज ही नहीं है तो आप कटिंग करके क्या दिखाओगे? हड्डियां दिखाओगे नीचे या फिर जो छोटी सी एक मसल, एक थिन लेयर मसल है सिर्फ वो दिखाओगे जो बिल्कुल फ्लैट होती है? नहीं, आपको हर एक मसल को एक रेजिस्टेंस के साथ ट्रेन करना होता है एंड यस एब्स इज ऑल्सो अ मसल एंड दैट्स वाई आपको एब्स को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है. और जो लोग कहते हैं बल्किंग में नहीं ट्रेन करना, भाई मत करो. जब कटिंग करने वाले होगे और नहीं दिखेंगी तो फिर मत पूछना क्या हुआ था. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना स्टार्ट विद सम साइकिलिंग. साइकिलिंग में ज्यादा देर के लिए नहीं करूंगा, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे मैं अपनी लेग्स को थोड़ा सा वार्म अप कर लूंगा एज वेल एज मैं अपनी थोड़ी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज करूंगा. कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज करने का बहुत फायदा होता है वर्कआउट से पहले. इससे होता क्या है कि जब आप अपना एक्चुअल वर्कआउट शुरू करते हो तब आप स्टार्टिंग में ही फटीग नहीं होते, आप थकते नहीं हो, आपकी सांस नहीं चढ़ती है. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, फर्स्ट इज डायनामिक एंड सेकेंड इज स्टैटिक. डायनामिक जो होती है वो यूजली हम वर्कआउट से पहले करते हैं एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू प्रिपेयर आवर जॉइंट्स फॉर द मूवमेंट एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर मसल एक्टिवेशन. एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आप कोई भी पोजिशन को होल्ड करते हो जो आपको थोड़ा सा चैलेंज करे. सो दिस इज द डिफरेंस एंड यू हैव टू फोकस ऑन डायनामिक स्ट्रेचिंग बिफोर योर वर्कआउट. माई लेग्स आर हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट. इसका मतलब यह है कि जब भी मैं लेग वर्कआउट करता हूँ मेरी हैमस्ट्रिंग मसल मेरे क्वाड्रिसेप मसल को ओवरटेक कर देती है एंड जिसकी वजह से मेरे क्वाड्स जो होते हैं वो अंडर ट्रेन रह जाते हैं एंड सो दैट्स वाई मेरा वर्कआउट जो होता है वो क्वाड फोकस्ड होता है. मतलब कि मैं अपने क्वाड्रिसेप्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ. एंड मुझे ये कैसे पता चला कि मेरी लेग्स जो है वो हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट है? जब मैं लेग्स मारता हूँ और मैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन करता हूँ तो 2 या 3 सेट मारने के बाद ही मेरे को ऐसा लगता है कि बस खत्म यार, पूरा बढ़िया पंप आ चुका है और ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. बट क्वाड्स आर वेरी स्टबर्न. मैं क्वाड्स को कितना ट्रेन कर लूँ, 10-10 सेट भी कर लूँ, उसके बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है बिकॉज अगेन डोमिनेंस फैक्टर आ जाता है एंड दैट इज अगेन वेरी ट्रू फॉर यू. आपको भी चेक करना बहुत जरूरी है गाइस कि आपकी लेग्स क्वाड डोमिनेंट है या हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट है. आई एम गोना स्टार्ट दिस वर्कआउट विद सम लेग एक्सटेंशन. लेग एक्सटेंशन से मैं अपनी नीज एंड अपने क्वाड्स इन दोनों को प्रॉपरली वार्म अप कर लेता हूँ. नाउ गाइस द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर लेग्स एंड द मास बिल्डिंग एक्सरसाइज दैट यू ऑल नो इज स्क्वाट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना डू अ वार्म अप सेट एंड आफ्टर दैट आई एम गोना डू 4 वर्किंग सेट्स एंड मैं अपनी रेप रेंज जो होती है वो 14 से शुरू करता हूँ. लाइक फर्स्ट सेट में मैं 14 रेप्स करता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं लो रेप रेंज पे आ जाता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ 6 to 8 reps करता हूँ. बिकॉज ये एक रिसर्च स्टडी है कि अगर आप हैवी स्क्वाट्स करोगे तो आप अपने क्वाड्स को बेटर बिल्ड कर सकते हो. अगर आप लोग भी डीप स्क्वाट्स नहीं कर पाते हो तो आप लोग ये तरीका अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर बेसिकली आपने अपनी हील्स को एलिवेट करके स्क्वाट्स करने हैं. उसके लिए मैं 2 प्लेट्स रख लेता हूँ एंड आप भी ऐसी प्लेट रख के अपनी डेप्थ के ऊपर फोकस कर सकते हो. ब्रीदिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन स्क्वाट्स. जब आप ऊपर आते हो तब आपने अपनी सांस छोड़नी है जितनी तेज आप छोड़ सकते हो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द सेकेंड एक्सरसाइज आई एम गोना डू लेग एक्सटेंशन एंड लेग एक्सटेंशन के आई एम गोना डू 4 वर्किंग सेट्स ऑफ 12 reps जिसके अंदर अगेन मैं एक मॉडरेट वेट से शुरू करूंगा और मैं सुपर हैवी वेट पे जाऊंगा. नाउ काफी लोग बोलते हैं कि लेग एक्सटेंशन हमें हैवी नहीं करने चाहिए, उस पर तो हमें रेप्स मारने चाहिए एंड दैट इज ट्रू बट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. अगर आपका पर्पस मसल बिल्डिंग है आपको हैवी लेग एक्सटेंशन मारने हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गाइस लेग एक्सटेंशन करने के लिए मैं कुछ चीजें अप्लाई करता हूँ जो उसको बेटर बना देती है एंड फॉर दैट द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज कि मैं अपनी ग्रिप को काफी टाइटली होल्ड करता हूँ जिससे होता क्या है कि मैं अपने ग्लूट्स को पूरा टाइम नीचे पैड से स्क्वीज करके रख सकता हूँ एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग दैट आई डू इज कि मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को आगे शिफ्ट कर देता हूँ, अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ जिससे मोर फोकस गेट्स ऑन माय क्वाड्स. एंड द लास्ट थिंग दैट आई फोकस ऑन इज कि जब मैं टॉप ऑफ द मूवमेंट पे होता हूँ तब मैं अपने टोज को ऊपर पॉइंट करता हूँ, कभी भी सामने पॉइंट नहीं करता एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपके क्वाड्स बहुत बर्न होंगे एंड गाइस लेग एक्सटेंशन अगर आप सही तरीके से करो देन इट कैन बी अ वेरी ग्रूलसम एक्सरसाइज एंड इट कैन मेक यू क्राई. मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द थर्ड एक्सरसाइज आई एम गोना डू लेग प्रेस. लेग प्रेस जो है वो एक कंपाउंड मूवमेंट है एंड लेग प्रेस को मैं
फिर से एक क्वाड फोकस्ड एक्सरसाइज बना के करता हूँ एंड फॉर दैट आई चेंज माई फुट स्टांस। फॉर फोकसिंग मोर ऑन क्वाड्स मैं अपना फुट स्टांस थोड़ा सा लो रखता हूँ पैड के ऊपर एंड मैं नैरो रखता हूँ जिसकी वजह से मैं अपने क्वाड्स के ऊपर फोकस कर सकता हूँ। क्वाड्स के ऊपर फोकस करने के लिए मैं कभी भी एक कंप्लीट मूवमेंट नहीं रखता, मतलब कि जब मैं टॉप पर होता हूँ तब मैं अपनी लेग्स को लॉकआउट नहीं करता एंड ऑल्सो मैं पूरा नीचे नहीं जाता, इससे सारा फोकस मेरे क्वाड्स के ऊपर आता है एंड हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर तो पता भी नहीं चलता है। बट अगर आपको हैमस्ट्रिंग्स भी ट्रेन करने हैं तो आप सिर्फ अपनी लेग्स को थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं एंड वाइड स्टैंड से आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को हिट करेंगे। लेग प्रेस के आई एम गोना डू 3 sets of 8 to 12 रेप्स एंड दिस इज द बेस्ट रेप रेंज फॉर मसल बिल्डिंग। ऑल्सो गाइस क्वाड्स को मैं स्ट्रेच करता हूँ इंट्रा सेट, मैं एक वॉल के ऊपर वर्टिकल होल्ड्स and that is very important and that is very good. So you should definitely do it. Leg curls is a very basic movement and leg curls के अंदर आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर focus करने की जरूरत है, आपको अपनी जो movement है वो पूरी complete करनी है, that is कि आपको अपने legs को पूरा extend करना है एंड देन उनको पूरा स्क्वीज करना है। काफी लोग सिर्फ हाफ हाफ रेप्स मारते हैं एंड जिनसे फिर उनकी हैमस्ट्रिंग मसल डेवलप नहीं होती है एंड उनको पता भी नहीं होता है। सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द मूवमेंट एंड लेग कर्ल्स के आई एम गोना डू 3 sets of 10 to 12 रेप्स, दैट इज इनफ फॉर मी। एंड मैं ज्यादा हैवी वेट नहीं यूज करूंगा, मेरे को आदत नहीं है, बट अगेन आप लोग हैवी वेट के साथ ट्रेन करो लेग कर्ल्स। Also, you should make sure that आप अपनी rep range 8 to 12 ही रखो। And guys, after finishing my leg workout, I'm gonna do my ab workout. And for the first exercise, I'm gonna do leg raises. अगर आपने किसी की भी well defined and well structured abs देखी हैं, तो I can guarantee you कि वो leg raises तो जरूर करते हैं। Because leg raises is one of the foundational exercise to develop your ab muscle. And leg raises also a very difficult exercise. So for those people who cannot do this properly, आप लोग knee raises कर सकते हो, that is very easy compared to leg raises. And leg raises से ज़्यादा focus आपकी lower abs के ऊपर आता है, and lower abs ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं train करनी काफ़ी लोगों के लिए। So I would definitely recommend you कि आप पहली exercise जो abs के लिए करो वो अपनी lower abs के लिए करो। Leg raises के I'm gonna do 3 sets of 12 to 15 reps. Again I'm gonna do slow reps. And जब मैं ऊपर लेके आता हूँ अपनी लाते, मैं properly squeeze करता हूँ and also I breathe out. So that is very important. Now guys, the second exercise is cable crunches. I prefer cable crunches over regular crunches. And इसका reason ये है because cable से मैं थोड़ी resistance add कर सकता हूँ. Again मैंने आपको बोला था, अगर आपको अपनी abs muscle build करनी है, तो आपको उनको एक resistance के साथ train करना जरूरी है. And cable crunches is one of my favorite exercises. And अगर आप इसको सही तरीके से करो, then you are gonna burn down your abs. And cable crunches के again I'm gonna do 3 sets of 10 to 12 reps. Now guys, the last exercise for abs and ये कोई exercise नहीं है, this is just kickboxing. And kickboxing की भी कोई specific sets and reps नहीं है, whether you are punching, whether you are kicking, आपकी core muscles बहुत ज़्यादा activate होती हैं. And kickboxing guys मुझे करना पसंद ही है, आजकल मैंने करना शुरू किया है अभी and I'm gonna continue doing it because it is very important and it is very helpful guys. आप try करके देखो, आपकी core stability as well as आपकी core strength दोनों में आपको हेल्प मिलेगी। सो गाइस दिस वाज माय लेग्स एंड आब वर्कआउट एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा गाइस एंड मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ थम्स अप बिलो। नाउ गाइस मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इधर बड़ा सा बटन बना है इसको प्रेस कर दो एंड नाउ गाइस इधर प्रेस करो पिछली वीडियो देखने के लिए एंड इधर प्रेस करो हमारी मानो तो बेस्ट वीडियोस देखने के लिए एंड नाउ आई विल कैच यू ऑन थर्सडे एट 8 PM